हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर बॉय। तो आज हम देखेंगे 2015 के हॉरर एंड थ्रिलर फिल्म द कॉर्स ऑफ एना फ्रिट्स। एक फेमस फिल्म स्टार एना फ्रिट्स के शरीर को एक फ्यूनरल होम में लाया जाता है क्योंकि एक प्राइवेट पार्टी के दौरान बाथरूम में उसकी मौत हो गई थी। अगली सुबह उसके बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाने वाला होता है। पाओ नाम का एक वार्ड बॉय उसे अंदर ले जाता है और उसके बॉडी को दूसरे बॉडीज के साथ रखता है। वह उसका चेहरा खोलता है और अपने फ़ोन से उसकी तस्वीर लेता है। बाद में इवान और जावी उस अस्पताल में आते हैं और पाओ के बारे में पूछते हैं, जो उन्हें अस्पताल के लॉबी में मिलता है। इवान उससे पूछता है कि क्या उसके पास उन्हें दिखाने के लिए और फोटोज है। दरअसल पाओ डेड बॉडीज की नंगी तस्वीरें खींचकर उन्हें दिखाया करता था। बाद में वह तीनों पार्टी में जाने की बात करते हैं। वह पाओ को भी पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन पाओ कहता है कि उसे सुबह तक काम करना है, लेकिन फिलहाल उसे एक घंटे के लिए ब्रेक होता है। इसीलिए पाओ उन्हें नशा करने के लिए बैकयार्ड ले जाता है। फिर इवान एक दारू की बोतल और कुछ कप बाहर निकलता है। पाओ उन्हें बताता है कि वह पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि उसे सुबह तक काम करना है। वह उसे दूसरी नौकरी खोजने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बताता है कि उसे फ्यूनरल होम में काम करना पसंद है। थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त हाल ही में मरी हुई एना फ्रिट्स के नाम पर टोस्ट करते हैं। पाओ उन्हें घाय करने के लिए कहता है। इवान पाओ से एना फ्रिट्स के बॉडी के बारे में पूछता है कि क्या उसने उसके बॉडी को देखा है। पाओ इवान को बताता है कि उसने एना की बॉडी देखी है। वह उसे यह भी बताता है कि उसकी बॉडी अगले दिन तक अस्पताल के फ्यूनरल होम में रहेगी। इसके बाद पाओ उन्हें अस्पताल के अंदर ले जाता है। जावी को शुरुआत में यह सब मजाक लगता है, लेकिन इवान पाओ को फ्यूनरल होम में ले जाने के लिए फोर्स करता है। वह तीनों लिफ्ट से बेसमेंट में जाते हैं। पाओ बताता है कि कोई अगर उन्हें देख लेता है तो वह रास्ता भूलने की एक्टिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद वह फ्यूनरल होम में पहुंच जाते हैं। पाओ दरवाज़ा खोलता है और उन्हें अंदर ले जाता है। जावी वहां से जाना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई उन्हें पकड़ ना ले, लेकिन वह दोनों उसे अंदर आने के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद पाओ उन्हें एना की बॉडी दिखाने के लिए ले जाता है। वह तीनों बॉडी के पास खड़े हो जाते हैं। जावी उन्हें कहता है कि वह सहमा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि उसने पहले कभी भी डेड बॉडी को नहीं देखा है। पाओ बॉडी के ऊपर से बेडशीट हटाता है और वह दोनों पीछे हो जाते हैं क्योंकि उसने एक बूढ़ी औरत के डेड बॉडी के ऊपर से बेडशीट हटाया होता है। वह उन दोनों के चेहरे देखकर हंसता है। बाद में इवान पाओ से एना की बॉडी दिखाने के लिए कहता है। वह तीनों एना की बॉडी के पास जाते हैं। पाओ एना का चेहरा खोलता है, लेकिन इवान बेडशीट को और नीचे खींचता है और उसके स्तनों को पकड़ लेता है। इवान जावी को भी ऐसा करने के लिए कहता है। जावी झिझकते हुए उसके छाती पर हाथ रखता है और कहता है कि उसकी बॉडी ठंडी है। इवान वहाँ पर उन्हें नशा करने के लिए कहता है, लेकिन जावी वहाँ से जाना चाहता है। पाओ बॉडी को ढक लेता है। बाद में इवान और पाओ कोक का नशा करते हैं, जिसके बाद इवान कहता है कि हर कोई एक्ट्रेस के साथ सोना चाहता है। जिसके बाद वह एना के पूरे शरीर को अनकवर कर देता है। वह तीनों एक डेड बॉडी के साथ सोना सही होगा या नहीं, इस बारे में बातें करने लगते हैं। तब पाओ उन्हें बताता है कि वह एक लड़की के शव के साथ सो चुका है। इवान उससे पूछता है कि क्या वह एना फ्रिट्स के साथ भी सोया था। जावी मजाक में कहता है कि जब वह दोनों वहाँ से चले जाएंगे तब शायद वह ऐसा करेगा। इवान कहता है कि वह एना के साथ सोना चाहता है। जावी उससे नाराज होकर कहता है कि उन्हें वहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वह अभी भी नशे में है। पाओ जावी को दूसरे कमरे में ले जाता है। जावी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके दोस्त ऐसा करेंगे। पाओ दरवाजे से देखता है कि इवान एना की बॉडी के साथ सोने के लिए तैयार हो रहा है। यह सब देखकर जावी को यकीन नहीं होता। वह उन दोनों को दिमाग से बीमार कहता है, लेकिन पाओ को यह सब करने में कुछ भी गलत नहीं लगता। इसलिए जब इवान वापस आता है तो वह एना के बॉडी के साथ वही करने के लिए जाता है। जावी वह अकेला होता है जिसे यह सब गलत लग रहा होता है, लेकिन इवान उसे अजीब अजीब कारण देकर इसे सही ठहरा रहा होता है। पाओ एना के ऊपर चढ़ जाता है और अपना काम चालू कर देता है, लेकिन तभी अचानक एना आंखें खोलती है और जब पाओ को पता चलता है कि एना जिंदा है तो वह बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ पर इवान और जावी भी आ जाते हैं। वह देखते हैं कि एना वहाँ पर लेटी हुई है। वह जिंदा है लेकिन हिल नहीं सकती। जावी जल्दी से उसके पास जाता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। वह उन दोनों को पानी लाने के लिए कहता है, लेकिन वह दोनों हिलते नहीं क्योंकि वह अभी भी घबराए हुए होते हैं। इसीलिए वह खुद ही पानी लेकर आता है और उसे देता है। जावी उन दोनों से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए या फिर एना को अस्पताल में ले जाना चाहिए। जिसके बाद वह एना से पूछता है कि क्या उसे ठंड लग रही है और उसके लिए कुछ कपड़े ढूंढने के लिए चला जाता है। इवान पाओ से पूछता है कि क्या एना ने उसे देखा है और क्या वह जानती है कि उसके साथ उन्होंने क्या किया है।
पाव कहता है कि एना ने उसे देखा था। थोड़ी देर बाद जावी वापस आता है और एना को एक मेडिकल गाउन पहना देता है, लेकिन इवान उसे रोकता है और उससे कहता है कि उन्हें पूरी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर उन्हें कोई फ्यूनरल होम में आते हुए सुनाई देता है। जावी उन्हें कहता है कि उन्हें रुकना चाहिए और जो कोई भी आ रहा है उसे समझाना चाहिए, लेकिन वह दोनों जल्दी से एना के ऊपर कवर डालते हैं और जावी को लेकर छिप जाते हैं। वहाँ पर एक वार्ड बॉय एक और बॉडी लेकर आता है। एना उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह सिर्फ एक उंगली हिला पाती है। थोड़ी देर बाद वह बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा कवर हटा पाती है, लेकिन वार्ड बॉय उसे नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वह दरवाज़ा भी बाहर से लॉक कर देता है। जावी जल्दी से उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसे दूसरे कमरे में बात करने के लिए ले जाता है। पाऊ और इवान इस बात से घबरा रहे होते हैं कि क्या होगा अगर किसी को पता चल जाएगा कि उन्होंने एना के साथ क्या किया है, क्योंकि एना एक फेमस एक्ट्रेस है, इसकी वजह से यह सब सारे अखबारों और टीवी में आ जाएगा। जावी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह नहीं जानती कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है और उसने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन पाऊ को पता है कि एना ने उसे देखा है। पाऊ कहता है कि वह जरूर हमारे बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन जावी को इसकी परवाह नहीं होती, वो एना की मदद करना चाहता है। इवान कहता है कि हर किसी को पता है कि एना मर चुकी है और उन्हें भी उसे मार देना चाहिए, लेकिन जावी इस पर बात नहीं करना चाहता। जावी एना के पास जाता है और एना को फ्यूनरल होम से बाहर निकलना शुरू कर देता है। इवान उसे रोकता है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि वह जेल नहीं जाना चाहता। जावी उससे कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम एना को मारने के लिए कह रहे हो? यह सब सुनकर एना डर जाती है। एना जावी से उसे बचाने के लिए भीख मांगती है। जावी इवान को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। बाद में वह खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है और पाऊ ने चाबी बाहर ही छोड़ दी होती है। इसी बीच इवान और जावी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे पहले कि पाऊ उन दोनों को लड़ने से रोके, इवान जावी को लगभग मौत के घाट उतार देता है। पाऊ जावी के पास उसे देखने के लिए जाता है कि क्या वह ठीक है। जावी सांस ले रहा होता है, मगर उसका खून भी बह रहा होता है। इवान जावी से माफ़ी मांगता है। वह पाऊ से कहता है कि उन्हें जावी को अस्पताल में कहीं छोड़ देना चाहिए, जहाँ वह आसानी से किसी को भी दिख जाए, जिसके बाद वह उसे घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं और एक कोने में रख देते हैं। जावी मुश्किल से जिंदा होता है। इवान पाऊ से कहता है कि उन्हें एना को भी कमरे के अंदर लाना होगा, ताकि वह किसी को बुलाकर फ्यूनरल होम को अनलॉक करने के लिए कह सके। पाऊ एना को उसी रूम में लाता है और इवान के साथ सफाई करने के लिए चला जाता है। जावी अपने आँखें खोलता है और एना से माफ़ी मांगता है। वह उससे कहता है कि वह जरूर बच जाएगी, लेकिन एना उसे वहाँ से नहीं हिलने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर वह ऐसा करता है तो वह मर जाएगा। बाद में वह दोनों अंदर आते हैं। एना उन्हें बताते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसका खून भी बह रहा है, लेकिन इवान उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर अचानक एक वार्ड बॉय फ्यूनरल होम में आता है। पाऊ उससे मिलने जाता है, जबकि इवान एना को चुप रखता है। पाऊ वार्ड बॉय को बताता है कि नाइट शिफ्ट वाले बंदे ने गलती से उसे लॉक कर दिया था, जिसके बाद वह उसके साथ चला जाता है। इवान जावी के पास जाता है, वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले से ही मर चुका होता है। एना यह सब देखकर रोती है। पाऊ वापस आता है और इवान उसे बताता है कि जावी मर चुका है। यह सुनकर पाऊ भी रोने लगता है, लेकिन इवान उसे बताता है कि अगर वह उसे अस्पताल भी ले जाते तो भी वह नहीं बच पाता, क्योंकि उसकी हालत पहले से बहुत ख़राब थी। पाऊ कहता है कि अब उन्हें पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ेगा, कि वह जावी के शरीर से भी छुटकारा पा लेंगे। एना उनसे कहती है कि वह किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी, बस उसे वहाँ से जाने दो। इवान पाऊ को बाजू में लेता है और एना को इग्नोर करने के लिए कहता है, क्योंकि वे आगे जो करेंगे वह उनके भविष्य को तय करेगा। इवान उसे यह बताने की कोशिश करता है कि उन दोनों की इसमें समान गलती है और अगर कुछ भी सामने आता है तो सभी को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। इसी बीच एना खुद को नीचे उतरती है और जावी के पॉकेट में फ़ोन ढूंढने लगती है। इवान पाऊ से पूछता है कि जावी के बॉडी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। पाऊ जवाब देता है कि वह इमरजेंसी दरवाजे का उपयोग कर सकते हैं। बाद में वह अंदर जाते हैं तो वह एना को फ़ोन के साथ देखते हैं। एना उन्हें बता देती है कि उसने अपने पिता को फ़ोन किया था। इवान फ़ोन चेक करता है, जिसमें एक नंबर पर कॉल किया जा चुका होता है। वो उन्हें बताते हैं कि उसके पिता उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, इसलिए वह उसे ऊपर ले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक अनजान नंबर से जावी के फ़ोन पर कॉल आता है। इवान कॉल को उठाता है। एना चिल्लाने लगती है, लेकिन पाव उसे चुप करा देता है। उन्हें पता चलता है कि कॉल पूरी तरह से कनेक्ट हुई ही नहीं थी।
और एना ने उनसे झूठ बोला था, इसलिए वह उसे वापस फ्यूनरल होम में ले जाते हैं। एना इवन से कहती है कि वह मरे हुए शवों का बलात्कार करता है और वह इंसानियत के नाम पर धब्बा है, जिसके बाद इवन उसे दो तीन फाइट मारता है। इवन पाव को एना को बांधने के लिए कहता है, जबकि वह खुद डस्टबिन लाने के लिए बाहर जाता है। पाव कुछ ढूंढ लेता है और उसे काटने लगता है। तब एना उससे कहती है कि अगर वह वही करता रहा जो इवन उसे कह रहा है, तो वह भी इवन के साथ जेल में ज़िंदगी भर सड़ता रहेगा। लेकिन पाव उससे कहता है कि वह हत्यारा नहीं है और एना सिर्फ उसकी वजह से जिंदा है, क्योंकि उसने इवन को उसे मारने नहीं दिया। एना उससे विनती करती है कि वह उसे जाने दे, लेकिन पाव उसे बांध देता है। वह उसे यह भी बताती है कि जब वह कमरे से बाहर था, तब इवन ने उसके सामने जानबूझकर जावी को मार डाला और उसने उसे अस्पताल में ले जाने से भी मना किया। लेकिन पाव को लगता है कि एना झूठ बोल रही है, इसलिए वह उसके मुंह पर टेप लगा देता है। दूसरी तरफ इवन डस्टबिन लेने जाता है, लेकिन उसे वही छुपना पड़ता है क्योंकि कुछ नर्सेस वहाँ पर सिगरेट मार रही थी। जब पाव दूसरे कमरे की सफाई कर रहा होता है, तब एना अपने मुँह से टेप निकालती है और अपने हाथों से रस्सी हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे जब वह नहीं हट पाती तो वह अपने पैरों की रस्सी हटा देती है। एना फर्श पर गिर जाती है और फ्यूनरल होम से रेंगते रेंगते हुए बाहर आती है। वह इवन के लौटने से ठीक पहले छुप जाती है। जब इवन वापस आता है तो वह देखता है कि एना वहाँ पर नहीं है। वह पाव को बताता है कि एना भाग गई है, जिसके बाद वह दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। एना अपना पूरा जोर लगाकर बड़ी मुश्किल से लिफ्ट तक पहुँच जाती है। जब उसे लगता है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है, तभी इवन लिफ्ट का दरवाज़ा पकड़ लेता है और उसे वापस फ्यूनरल होम में ले जाता है। पाव इवन से पूछता है कि क्या उसने जावी को मार डाला जब वह वहाँ पर नहीं था, तो इवन उसे बताता है कि एना उसे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। बाद में वह अंदर जाते हैं और इवन पाव से कहता है कि वह एना का बेडशीट से दम घोट देंगे, लेकिन पाव इसे अपने हाथ से नहीं करना चाहता और इवन भी इसे नहीं करना चाहता। आखिर में वह फैसला करते हैं कि वह दोनों एक साथ उसे मार देंगे। वह दोनों उसका दम घोटते हैं। बाद में इवन और पाव उसके बॉडी को उठाते हैं और स्लैब पर रख देते हैं। इवन जावी के बॉडी को डस्टबिन में डालकर बॉडी को बाहर छोड़ देता है और डस्टबिन को उसकी जगह पर रख देता है। इसी बीच पाव एना के बॉडी को और फ्यूनरल होम को साफ करता है और सारे सबूत मिटा देता है। बाद में वह उसे बाकी शवों के साथ रख देता है। पाव इवन का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एना खांसते हुए सुनाई देती है। वह उसके पास जाता है और जब वह बेडशीट नीचे करता है तो एना जिंदा होती है। वह उसके तरफ देखती है। पाव उसे मरने का ढोंग करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर इवन वापस आता है और पाव जल्दी से एना को ढक लेता है। पाव इवन से वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहता है, मगर इवन एना के पास आता है और उसे आखिरी बार देखकर पाव से पूछता है कि क्या उसने बॉडी को अच्छी तरह से साफ किया है ना। बाद में वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे लिफ्ट तक पहुँचते हैं, इवन को पता चलता है कि उसका कार्ड गायब है। पाव उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें फ्यूनरल होम में वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन इवन पाव की बात नहीं मानता और वह दोनों वापस फ्यूनरल होम में चले जाते हैं। जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि एना अपने पैरों से चल रही है, जिसके बाद इवन पाव पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बीच में रुक जाता है और वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन अचानक एना पीछे से आकर उस पर कैंची से हमला कर देती है। वह उसे तड़पता हुआ देख रही होती है। पाव उससे कहता है कि वह जाने वाले थे और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एना उसकी तरफ देखती है और उसके पेट में भी कैंची मार देती है। वह तब तक कैंची मारती रहती है जब तक वह मर नहीं जाता। और इसी के साथ इस फिल्म का भी दी एंड हो जाता है।